आज हम बायोगैस प्लांट की वर्किंग मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो क्या क्या हैं वो आप आपको बताएंगे। आज हम बायोगैस प्लांट की वर्किंग मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो क्या क्या हैं वो आप आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक पीवीसी पाइप चाहिए, वाटर पाइप चाहिए, और ब्लैक पेंट ब्रश और ऑन ऑफ रेगुलेटर, गैस रेगुलेटर, एम सील, वी वॉल्व और ये सिलेंडर चाहिए, ये पाइप चाहिए जो ट्यूब है उसकी, किसी भी साइकिल की ट्यूब या किसी भी स्कूटर की ट्यूब ले सकते हैं जिसमें हमारी गैस कलेक्ट होगी। और ये हमारी कौन सी है, गैस पाइप है जो हम आजकल नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं। तो हमें ये रिक्वायर्ड चीज़ है। और एक हमें क्या चाहिए, 20 लीटर की वाटर टैंक चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एक रिजर्वॉयर कहलाएगा, जिसमें हम क्या डालेंगे, अपना बायो फर्टिलाइजर डालेंगे जिससे हम गैस प्रोड्यूस करेंगे। इसको हम ब्लैक पेंट करेंगे। इसको ब्लैक पेंट करने का मेन पर्पज़ यही है कि क्योंकि इसमें अगर ये सनलाइट जाएगी, ताकि सनलाइट ना जा सके, ब्लैक पेंट करने का मेन पर्पज़ यही है। अगर इसमें सनलाइट जाएगी तो क्या होगा, इसमें फंगी उग जाएंगे, जो हमें मेन पर्पज़ क्या है, मतलब बैक्टीरिया को उगाना है इसके अंदर, जो फर्टिलाइजर जो हमने डाला है वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, अगर वो उसमें फंजाई उग जाएंगे तो फिर हमारे को रिक्वायर्ड गैस नहीं मिल पाएगी जो हम मीथेन गैस बनाना चाहते हैं, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। तो इसलिए हमने इसको ब्लैक पेंट किया है, क्योंकि मीथेनोजन जो बैक्टीरिया है वो क्या एनारोबिक प्रोड्यूस करता है, तो हमें इसके लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम इसको ब्लैक पेंट करेंगे, इसमें मार्किंग करेंगे, एक जो हमारा क्या होगा आउटलेट है, तो हमें इसको क्रॉस करेंगे। ये देखो, ये जो हमारा है ये क्या है, इसको हम क्रॉस करेंगे, ये दिख रहा है ना आपको, ये हमारा आउटलेट होगा। इसको आप किसी भी रिक्वायर किसी भी तेज इक्विपमेंट से, शार्प इक्विपमेंट से काट सकते हैं। और ये है जो हमारा ऊपर, ये हमारा इनलेट होगा, जहाँ से हम भी कोई सा भी ऑर्गेनिक मटेरियल डालेंगे। हम इस पर एक फनल रख सकते हैं, फनल की हेल्प से उसमें डाल सकते हैं। हमें क्या डालना है, ऑर्गेनिक वेस्ट डालना है, डंग डालना है, मोस्टली काओ या फिर बफेलो का डंग डालेंगे। यहाँ पे पानी भी डालेंगे। तो जो एक होल और करना है, ये होल इसलिए करना है छोटा सा, यहाँ पे ऊपर इसकी नेक पे, जो नेक पे इसलिए करना है क्योंकि हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ये गैस पाइप लगाएंगे, इस तरह गैस पाइप लगाएंगे। हम इसको इस तरह फिट कर सकते हैं, देखो इस तरह हम इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ से इसको फिट कर दिया, फिर जो हम ये वाली जो पाइप है, ये हमारी कहाँ जाएगी, अब ये वाली पाइप हमारी इसमें लगेगी, ये हमारी टी वॉल्व का जो एक जो इसकी जो है टैब है, जो ये वाली एक इसमें हम एक इसमें फिट कर देंगे, और जो सेकंड वाली है, और जो सेकंड वाली है, और सेकंड वाइप के लिए हम छोटी सी एक पाइप लेंगे, जो इसका ये हमारी सेकंड जो पाइप है, छोटी सी पाइप जो हमने कट कर रखी है, उसको सेकंड पे लगाएंगे। इसको हम किसे, जो गैस रेगुलेटर है हमारा जो ऑन ऑफ करने का, हम उसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया, जो इसकी जो थर्ड वॉल है, जो थर्ड टैब है, उसको हम कहाँ पे लगाएंगे, हम अपने जो इसमें ट्यूब में लगाएंगे, जहाँ पे हमारी गैस क्या होगी, एक सेकेंड, जो जहाँ पे हमारी गैस कलेक्ट होगी उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। देखो ऐसे इसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया, फिर हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी जो ये ट्यूब है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे।
अब जो ये जो है ये ओपन है, यहाँ से हमारी क्या होगी, ये देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा तैयार हो गया मॉडल। जो ये गैस रेगुलेटर है उससे गैस निकलेगी और इसे हम गर्मी यूज कर सकते हैं, हमारी प्रोड्यूस होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। जो ये हमारा क्या है, इनलेट है जहाँ से हम कोई भी बायो फर्टिलाइजर डालेंगे। ये ध्यान रखें कि जो ये पाइप जो अंदर जा रही है ना, ये जो टैंक है हमारा, इससे 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। ये हमारा इनलेट है जहाँ से हम बायो फर्टिलाइजर डालेंगे फनल की हेल्प से। यहाँ पे फनल लगाएंगे हम, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक डंग डाल सकते हैं। और जो हमारा जो ये आउटलेट है, जो भी हमारा जो वेस्ट के बाद जो हमारी गैस निकलने प्रोड्यूस होने के बाद जो स्लरी बचेगी, वो स्लरी यहाँ से निकलेगी। जो ये हमारा आउटलेट है, ये आउटलेट स्लरी का है। ये वाला आउटलेट जो है, ये जहाँ पे हमने ये पाइप लगाई है गैस पाइप, ये हमारा आउटलेट है, गैस का आउटलेट है। और ये स्लरी का आउटलेट है, और स्लरी भी हमारी यूजफुल है। ये हमने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया। अगर इसको एम सील से हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इसको चिपका सकते हैं इसको। तो जो ये जो हमारा स्लरी का आउटलेट है, जो स्लरी निकलेगी हम उसको खेतों में फील्ड में अपने यूज कर सकते हैं, एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ये क्या है, हमारा जो बायोगैस प्लांट कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें आने वाली वीडियो जो अपलोड होगी आप देख सकें।